नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिलवाड़ा लोकवाणी में। शहर के बड़े मंदिर के पास काबरा कचोरी नाम की दुकान लॉकडाउन के चलते बंद है, पर दुकानदार अपने घर पर ही अपनी जान की बिना परवाह किए जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए कचोरी के साथ कोरोना भी परोस रहा है। कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन के चलते गली मोहल्ले में कई दुकानदार कुछ असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका भारी परिणाम भीलवाड़ा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन के कई बार समझाइश करने के बाद भी कई लोग अब लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का एक मामला आज भीलवाड़ा शहर में नजर आया, जहां पर अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। तहसीलदार लालाराम यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कोरोना गाइडलाइंस की पालन हो, इसीलिए वह गश्त पर निकले थे। तभी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घर के बाहर बेपरवाह लापरवाह होकर कचोरियां बना रहा है, जिसके बाद वह अपने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उसके खिलाफ चालान काटा। बताया जा रहा है कि 5,000 का जुर्माना उस पर लगाया गया है। देखिए भीलवाड़ा लोकवाणी की ये रिपोर्ट। अभी कोरोना के चलते राज्य सरकार के द्वारा और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये भीमगंज थाने के अंतर्गत कुछ लोग उनकी अवहेलना करते हुए रुक नहीं रहे। ऐसी एक खबर मिली कि यहाँ पर अपने घर में एक दुकानदार अपने घर में ही कचौड़ी बना के काफ़ी भीड़ कर रखी थी। ऐसे वीडियोज़ हमें कई स्रोतों से मिले थे, उसी को आधार मानते हुए हमने आज यहाँ पर कार्रवाई की और यह देखा तो वास्तव में वहाँ पर कचौरियों का बनी पड़ी थी और वो कुछ लोग खाते हुए मिले और हमने उसके सख्त कार्रवाई की और 5,000 का जुर्माना लगाया और आगामी आदेशों तक उसको सीज की। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भीलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूले आपका अपना भीलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।